कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद कई दिनों से ठप पड़े आम जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है और इसी कड़ी में आज से राजधानी लखनऊ और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। लखनऊ और नोएडा ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की आवाजाही शुरू करने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेट्रो के संचालन से पहले प्लेटफॉर्म्स और मेट्रो के डब्बों को सैनिटाइज किया गया है। मेट्रो के कोच को किस तरह सैनिटाइज किया जा रहा है, आज फिर से लखनऊ नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो जो है वो दौड़ने जा रही है। हालांकि वीकेंड में संचालन नहीं होगा, लेकिन यात्रियों के लिए इन्हें खोलने से पहले किस तरह डीप सैनिटाइजेशन किया गया वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन इस दौरान करना होगा। एक्वा लाइन शुरू हो गई है, नोएडा की एक्वा लाइन आज से चल पड़ी है और उससे पहले एक एक कंपार्टमेंट को किस तरह सैनिटाइज किया गया, प्लेटफॉर्म से लेकर मेट्रो के कोच के अंदर डीप सैनिटाइजेशन हुआ। और हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं, बलराम पांडे नोएडा से और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम वाराणसी का रुख करेंगे, नितेश पांडे के पास चलते हैं। नितेश, अब किसी भी जिले में कर्फ्यू नहीं है, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को छोड़कर मेट्रो की सेवाएं शहरों में आज से शुरू हो रही है, सब कुछ पहले की तरह खुल जाएगा, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, क्या आप देख पा रहे हैं, कितनी भीड़ भाड़ आज सुबह आपको दिखाई दी? चलिए नितेश का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर के। नीरज बताइएगा, गोरखपुर में कर्फ्यू जब हटा तो आज सुबह आपको क्या परिवर्तन नजर आया, क्या सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखी, क्या लोगों में सोशल डिस्टेंस और एहतियात नजर आ रहे थे? देखिए आस्था, आपको बता दें कि आज से गोरखपुर में भी अनलॉक हो गया, बहुत राहत भरी खबर है ये। जैसे जैसे मामले कम होते गए, तो ये संख्या 600 से नीचे आ गई, उसके बाद से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उसके बाद से सरकार ने घोषणा कर दी कि सभी जिलों को अनलॉक किया जाता है। गोरखपुर भी उसी श्रेणी में अनलॉक कर दिया गया, लेकिन शाम के बाद का जो कर्फ्यू है सुबह तक का, वो कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह आस्था कि भले ही संख्या 600 से नीचे हो गई है, लेकिन ये जाहिर तौर पर जो पाबंदियां उसका पालन करना होगा। जो रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल हैं, वो बंद रहेंगे, मॉल भी बंद रहेंगे, और जो रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। हाँ। और इसके साथ ही जो बाज़ार में आस्था भीड़ जाहिर तौर पर आज रोज़ के देखते ज़्यादा ही दिखाई देगी, चूँकि जो छूट में लोग निकल पा रहे थे, जो निश्चित समय था उसी में खरीदारी कर पा रहे थे, लेकिन दिन भर के लिए बाजार खुलने से जाहिर तौर पर बाजार में जो है भीड़ काफी दिखाई देगी। लेकिन जी, लोगों को एहतियात बरतना होगा, और चूंकि दूसरी लहर जितनी तेज आई है जिस तरह जानलेवा साबित हुई, अब वो परिस्थिति लौट करके ना आए तो लोगों को एहतियात पहले से ही रखना होगा। बंदी खत्म हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना चला गया है। रुख शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से हमारे साथ हैं। शैलेश, लखनऊ में आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? कर्फ्यू हट गया है, यहाँ से हमने देखा कि मेट्रो सेवाएं जो है वो शुरू होने जा रही हैं और डीप सैनिटाइजेशन चल रहा है कोचेज में, तो लखनऊ में आपने क्या असर देखा बंदी खुलने के बाद? सड़कों पर क्या लोग ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का? आस्था, सुबह का लगभग 8:15 का वक्त है और इस समय सड़कों पर अब चहल पहल लगातार बढ़ती जा रही है। सामने अपने दर्शकों को सुबह 7 बजे की तस्वीर दिखाई थी, अब हम 8:15 बजे यानी 1 घंटे बाद की लगभग तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर चहल पहल जो है वो बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती हुई साफ देखी जा सकती है इस समय। जहाँ तक बात करें, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, अगर इनकी बात करें तो जिस समय अब से कुछ देर बाद बाज़ार खुल जाएंगे तो असल तस्वीर वहाँ पर देखिए देखने वाली होगी आस्था, क्योंकि बाज़ारों में ग्राहक आएंगे, दुकानदार होंगे, उनके स्टाफ होंगे, तो देखना होगा कि दुकानों पे जो दुकानदार हैं, जो स्टाफ है, वो कितना इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं वो कितना इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस समय निकल कर सामने और आएंगी। लेकिन फिलहाल सड़कों पर चहलकदमी बढ़ चुकी है, पता चल रहा है कि हाँ, अब कोरोना कर्फ्यू से लखनऊ को राहत मिल चुकी है। कहने को 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो 13-14 अप्रैल को ही जो व्यापारी थे उन्होंने बाज़ार बंद करने की घोषणा कर दी थी, यानी कह सकते हैं लखनऊ की जो बंदी थी वो 50 दिन से भी ऊपर की रही, लगभग मान सकते हैं 1.5 से 2 महीने की रही। तो इतने लंबे वक्त के बाद जब बाज़ार खुलेंगे तो जिन लोगों को ज़रूरत है, कोई सामान खरीदना है, वो भी बाज़ार में उमड़ेंगे। दुकानदारों में भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि उनके काम धंधे ठप थे, खर्चे चलाने मुश्किल थे कई दुकानदारों के लिए लगातार, इसके लिए वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग कर रहे थे मिलकर।
आज उनको एक राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि बाजारों में कितनी रौनक लौटती है और जो रौनक लौटेगी उस बीच में कहीं कोविड नियमों की धज्जियां ना उड़ाई जाएं, सबसे जरूरी बिल्कुल है। तो अभी दिन की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा देखना होगा कि जब बाजार खुलेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, तो कहीं लोग भूल ना जाएं कि कोविड काल में क्या दिशा निर्देश हैं। रुक करेंगे बलराम पांडे का, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम बताएगा, क्या नोएडा मेट्रो शुरू हो गई है चलना और कर्फ्यू खुलने के बाद पहले दिन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं? देखिए आस्था, अगर हम बात करें तो नोएडा में पूरी तरह से अनलॉक हो गया है, लेकिन जो मॉल हैं, जो सिनेमाघर हैं, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अभी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट रहा है और जनजीवन पटरी पर लौटे यही सरकार की और प्रशासन की भी मंशा है। लेकिन अभी भी जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 24 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं गौतम बुद्ध नगर में, 99 मरीज ठीक होकर के घर गए हैं और अभी भी एक्टिव केस की जो संख्या है वो 300 के पार है। लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से आस्था आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि नोएडा में जो जनजीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और जो कारोबार, जो आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई थी, इस अनलॉक के बाद से दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, कारोबार फिर से धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम अनलॉक के बाद अब उन्हें दुकान खोलने का मौका मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से हालात हैं उसमें ज़्यादा लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जब मार्केट खुलती है, मार्केट में लोगों की गैदरिंग देखने को मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो चेहरे पे मास्क तो लगाए होते हैं, लेकिन गलत तरीके उनके से। चेहरे से नीचे बिल्कुल अब ऐसा नहीं करना है। एक बार तो ये सब करके दूसरी लहर की स्थिति सब लोगों ने देख ली है, तो अब ऐसा नहीं करना है। गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना है और कर्फ्यू हटने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हट गया है, अब भी वही सख्तियां अपने ऊपर लागू रखनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।